सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अब हम निकल गए जिम की ओर। जिम में जाते ही मैंने किए एब्स ट्रेन और काफ़ी सारी वेरिएशंस की थी, मगर उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो बस ये हैंगिंग लेग रेस ही मैंने रिकॉर्ड किए हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। आप इसको ऐड करिए अपने वर्कआउट में, और अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो अवॉइड करना। धीरे धीरे स्ट्रेंथ जनरेट हो जाएगी, फिर करना। अराउंड 300 to 400 एब्स करने के बाद मैंने ली अपनी मील, फर्स्ट मील, जो कि है राइस, चिकन एंड सैलेड। अपना मील लेने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद लिया स्टीम। स्टीम लेने के बाद की थोड़ी बॉडी कंडीशन चेक। आप लोग बताइए कमेंट में कैसा लगा आपको ये बॉडी, और लग रही है आपको इम्प्रूवमेंट मेरी बॉडी में, और कोई कमी हो तो बताना गाइस। फ्रंट बैक दोनों पोजिशन में आपको दिखा रहा हूँ उसमें स्टैंडिंग, इसलिए टॉवल थोड़ा छोटा था, तो इसलिए एक हाथ से टॉवल होल्ड कर रखा है, क्योंकि हैंड टॉवल है और यही मेरे पास अवेलेबल था उस टाइम पे, मगर स्टीम लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और अगर ये स्टीम लेने का ऑप्शन आप लोगों के पास भी है, तो आप जैसे सर्दी आ रखी है तो 3 से 4 बार आप स्टीम ले सकते हो, उससे कंडीशन स्किन बहुत अच्छी हुई है आपकी। स्टीम लेने के बाद मील लेते हुए निकल गए हैं घर की तरफ। मील खाते खाते हमने अपना आपसे एक छोटा सा वीडियो भी बनाया, ताकि हम आपको बता पाएँ कि हमें डाइट में क्या लेना चाहिए। इसमें भी सेम फिश, चिकन और राइस है और सैलेड है। फिर एक कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद अपने घर के पास वाले जिम में चले गए वर्कआउट करने। कार्डियो करने के बाद आज रेक्टिफायर्स गर्ल का लेग डे था, तो मैंने उन्हें आज बॉल से स्क्वाट्स कराए, जो कि देखने में बहुत ईजी लगते हैं कि सपोर्ट मिल रहा है, मगर एक्चुअल में जो लेग बर्न होता है, जो क्वाड बर्न होता है, वो इसी में होता है। तो गाइस, कोई लेडी हो या कोई ऐसा हो जिनकी नी में पेन हो या जिनका पोस्टर इशू हो, तो वो बॉल लगा के सपोर्ट लेके, बैक सपोर्ट लेके इसे यूज़ कर सकता है। और कराते कराते साथ में मैं भी अपना वार्म अप कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा चेस्ट का वर्कआउट है। साथ में मैंने मारे 100 पुशअप्स, जो कि मैंने साथ साथ रेक्टिफायर्स का वर्कआउट भी कराता रहा, उसके साथ साथ मैं अपने पुशअप्स भी करता रहा। तो ये दोनों चीज़ें चलते रही अराउंड 4 सेट तक। 25 के 4 सेट लिए मैंने, रेक्टिफायर्स गर्ल ने भी, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। काफ़ी अच्छा पंप आ रहा था। एक पार्टनर के साथ वर्कआउट करने का मज़ा ही कुछ और होता है, और पार्टनर आपकी वाइफ हो तो और भी ज़्यादा मज़े आते हैं। अब गाइस, हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। फर्स्ट मैंने लिया इंक्लाइन बेंच प्रेस, जो कि मैंने स्मिथ पे लिया है। मुझे स्मिथ पे करना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि बैलेंसिंग होता है और आपको बस वेट लिफ्ट करने पे ध्यान लगाना होता है, क्योंकि पोस्चर और रेंज है वो इसमें मेंटेन रहती है। आप देख रहे हो वेंस, वेस्कुलैरिटी। अब मैं आपको अपना पंप करके दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि मैं मसल शो करता हूँ और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ आफ्टर डूइंग सेट, और कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद बहुत ही अमेजिंग पंप आया। इसके मैंने 4 सेट लिए हैं, 4 सेट मैक्सिमम रैप्स। धीरे धीरे जो लास्ट वेट था उसमें काफ़ी, उसमें कम रैप थे, अराउंड 10 से 12 रैप थे। फिर रेक्टिफायर्स कल का हमने नेक्स्ट वर्कआउट कराया, जो कि फ्री स्क्वाट्स करने के बाद उनकी लेग्स रेडी हो गई थी कि अच्छा खासा वर्कआउट कर सकती हैं वो। तो हमने स्टार्ट किया एब्डक्टर इरेक्टर से उनका, ताकि इनर थाइज भी एक्टिवेट हो जाए। अब मेरी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है पेक डेक फ्लाई, जिसे लोग बटरफ्लाई कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, पेक डेक फ्लाई बटरफ्लाई दोनों सेम चीज़ होती हैं। पेक डेक जो है वो उसका साइंटिफिक नेम है। तो इसके 4 सेट लिए हैं, 20 से 25 रैप। इस पर रैप्स आपको रैप से फोकस करना है। जैसे मैं कटिंग फेज में हूँ तो रैप्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अगर आप गेनिंग पे हो तो इसमें आप हैवी वेट और रैप्स कम कर सकते हो। ऐसे धीरे धीरे आपके जो चेस्ट के फाइबर्स हैं वो जनरेट होने लगेंगे, और जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में, मैं रेस्टलेस करके मार रहा हूँ। काफ़ी इफेक्टिव वर्कआउट है, इसको ऐड कर सकते हो। और गाइस, ये थर्ड एक्सरसाइज है जो कि बहुत इफेक्टिव है। ज़्यादातर लोगों को लगता है ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है। हाँ, ये ट्राइसेप्स की, शोल्डर भी इसमें सपोर्टिंग मसल है। अगर मैं पीछे होके करूँगा तो मेरा ट्राइसेप्स और शोल्डर एक्टिवेट होगा, मगर मैं ट्राइसेप पे जाने नहीं दे रहा लोड। मैं इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, लोअर चेस्ट से ट्रांसफ़र होते होते अपर चेस्ट तक आ रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन आपको फील करना है। बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, जैसे कि आपने देखा होगा बेंच डिप्स जो लोग हम लेते हैं और बार डिप्स जो लेते हैं, ये सेम उसी का वर्क करता है। ये करने के बाद काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और पंप आया था। पंप करने के बाद मैंने फ्रंट डबल बाइसेप्स का पोज दिया आप लोगों को, जो कि मेरा फेवरेट पोज है, और काफ़ी मज़ा आता मुझे इस पोज में। फिर हमने फोर्थ एक्सरसाइज ली अपनी बेंच प्रेस, जो कि बहुत इफेक्टिव है और आप सबको अपने वर्कआउट में ऐड करना है। 4 सेट सेम 12 से 15 रैप। फिर मैंने इंक्लाइन पे क्लोज ग्रिप प्रेस लिया है। आजकल बहुत ट्रेंड में ये वर्कआउट, और जो इंटरनल जो आपके जितने भी इनर
पेक्टोरियस मेजर मसल है जो इनर चेस्ट अपर चेस्ट है उसके फाइबर्स को जनरेट करता है। जब मेरी कटिंग पूरी हो जाएगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे चेस्ट के जो फाइबर्स हैं वो काफ़ी हद तक जनरेट करने में इसी एक्सरसाइज की मदद ली है मैंने और बहुत हेल्प मिली है। ये हमने है ना सुपर सेट में लिया है, एक तो क्लोज जो मैंने आपको आपको करके दिखाया क्लोज प्रेस, सेकेंड 10 से 12 रैप वो लेने हैं, 10 से 12 रैप इनक्लाइन पे ही फ्लाई लेने हैं डंबल फ्लाई। वेट मैटर नहीं करता, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी आप वेट करो। ये 20 का डंबल है तो मैं 20 से कर रहा हूँ। साथ के साथ रेक्टिफायर्स गर्ल का जो वर्कआउट है वो लेग एक्सटेंशन करने के बाद, अभी उनका 4th वर्कआउट है वो मैं रिकॉर्ड नहीं करवाया। 4th वर्कआउट उनका स्क्वाट्स है, इससे पहले मैंने लेग एक्सटेंशन किया था। सबसे पहले फ्री स्क्वाट्स किया था रेक्टिफायर्स गर्ल को, फिर उसके बाद एडक्टर एडक्टर किया था, फिर उसके बाद लेग एक्सटेंशन, अब फ्री स्क्वाट्स सॉरी वेटेड स्क्वाट्स। तो वेटेड स्क्वाट्स पे अब आप रेडी हो अच्छे से वर्कआउट करने के लिए। अब आप देख रहे हो वेट थोड़ा ज़्यादा है और फर्स्ट टाइम इन्होंने अटैम्प्ट किया है तो काफ़ी इन्हें बैलेंसिंग इशू हो रहा है, मगर कोई बात नहीं, हार के आगे जीत होती है और हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, स्पेशली लेग्स पे। लेग्स पे क्या होता है, ज़्यादातर तो लोग डर जाते हैं जबकि नीचे जा रहे हैं तो उनसे उठानी है लोअर बैक। अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हैं, तो ये चीज़ आपको करनी है और इनसे भागना नहीं है, इनको पकड़ के रखना है। ये देखिएगा इस मेरा पोज, और ये रही मेरी आज की सेल्फी हम दोनों की। उसके बाद मैं घर आके मैंने ली अपनी मील जो कि फ़िश, चिकन राइस और पालक।